नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने कई सारी सब्जियां ली हैं। जब वेजिटेबल देखिए, ये जिंजर का को क्रिस्प किया है हमने, दो छोटे टमाटर को कट किया है, एक थोड़ी सी ग्रीन ऑनियन है, अनियन है ये, थोड़ा धनिया पत्ती है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी फूल गोभी, एक छोटी प्याज और थोड़ा पत्ता गोभी, और ये बीन्स, और एक गाजर, और दो हरी मिर्ची, और कुछ मटर के दाने। ये हमने सब कुछ लिया है वेजिटेबल सूप बनाने के लिए। और साथ में हम लेंगे वेजिटेबल स्टोव, हमने बनाया है, मैंने अभी वेजिटेबल स्टोव भी बनाया है, और ये भी सब चीजें। अब हम चलिए चलते हैं, बनाते हैं वेजिटेबल सूप। और साथ में इसमें थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर लिया है इसको अच्छा तिक्त करने के लिए, और काली मिर्च और सफेद मिर्ची, और ऑलिव ऑयल से तड़का लगाएंगे हम, क्योंकि हम हेल्दी ऑप्शन अपनाते हैं हर चीज के लिए। जहाँ पे हमें हेल्दी अपना सकते हैं, जितना इतना हम हेल्दी अपनाते हैं, तो मैं उसमें तड़का लगाऊं। मैं इसको तैयार करूंगी, ऑलिव ऑयल यूज करूंगी इसके लिए। मक्खन वगैरह अगर आपको लगता है और आप बिगनर्स हैं, या फिर आपको हेल्थ में आपको देखिए, सब्जियां कट डाल देते हैं। जिंजर डाल दी हमने, अनियन, किसी भी चीज को, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, ज्यादा पकाना नहीं है। ये ध्यान रखें सूप बनाते समय कि कोई भी चीज इसमें ज्यादा पकानी नहीं है, ऐसे मतलब इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज का। सूप में इतना ज्यादा नहीं पकाना कि वो सॉफ्ट बहुत ज्यादा हो जाए, क्रंची बनी रहे, इतना तक पकाना, इतना पकाना। अनियन डाल दी, डाल देंगे, और डालेंगे गाजर, तो गाजर सबसे ज्यादा, और डालेंगे हाथ में बीन्स, और ये हरी मिर्ची, हरी मिर्च मटर, बहुत ही पौष्टिक बनने वाला है ये सूप हमारा आज। पौष्टिक, टेस्टी, चटपटा, तीखा, सब कुछ क्वालिटी है इसके अंदर मिलेंगे आपको। थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल देंगे तो तीखा बन जाएगा, ऑयल मक्खन यूज कर लेंगे तो थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, जिनको हेल्दी उस तरीके से हेल्दी बनाना तो वो बन जाएगा, किसी को वेट लूज करना है तो ऑलिव ऑयल डालें जैसे मैंने डाला है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वेट बढ़ाने, अब वेट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल की जगह बटर डालें, मक्खन डालें, ये ऑप्शनल है। और ज़्यादा उसका टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है, आपको वो पसंद है तो। अब मैं डाल दूँगी सब्जियाँ बाकी भी, वो भी अभी अब गैस मैंने थोड़ी धीमी कर दी है, सिम गैस कर दी है इस टाइम मैंने, कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो गई है अच्छे से, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से गलाना नहीं है, घोटना नहीं है, मतलब बिल्कुल पूरा मैसी नहीं बनाना, क्रंच बना रहे इतना पकाना है बस।
डाल दिया मैंने अनियन, सेंधा नमक डाल दो इन्हें, आप जो भी नमक खाते हैं वो डाल सकते हैं हिसाब से। 1 स्पून डाल दिया मैंने सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला जाता है नमक अपने। वो छोटे टमाटर लिए थे मैंने, गैस हमारी मीडियम टू लो है, पेपर डाल दिया है 1/2 स्पून, सफेद मिर्ची, काली मिर्ची हम इससे क्रश करके ऊपर से बॉल में भी डाल सकते हैं। थोड़ी सोया सॉस भी डाल सकते हैं, बाद में जब सर्व करेंगे तब उस टाइम पे खाते समय अपने सामने डाल सकते हैं। थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा टमाटो का सॉस भी डाल सकते हैं और थोड़ा ब्लैक पेपर, अपने बॉल में जब टेस्ट अपने के अकॉर्डिंग डाली जाती है वो सब चीज़ें। वेजिटेबल एक लिए, अब मैं इसमें जितना मुझे पतला रखना है उस हिसाब से इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालना है कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से। गैस हमने तेज कर दी अब, क्योंकि हम सबको बॉईल करना है इसको। थोड़ा सा और डालती हूँ, कम लग रहा है। नहीं, ये कॉर्नफ्लोर 1 स्पून था मेरा, उसको मैंने जरा सा पानी डाल के और अच्छे से मैश कर लिया कि कोई भी इसके अंदर काटनी बचनी चाहिए, अच्छे से हो गया ये। जैसे बॉयल होएगा उसके बाद डालेंगे हम इसमें इसको। 1 स्पून लिया मैंने इसको, वो भी टी स्पून जो होता है, ये कट गई है। मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, ऐसे ठीक हो गया। इससे बहुत ही बढ़िया सूप तैयार हुआ है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जैसे कॉर्नफ्लोर भी डल गया, सब कुछ डल चुका है, इसमें धनिया पत्ती बाकी रह गई है के लिए। वेजिटेबल स्टॉक बहुत ही बढ़िया काम की चीज है वाकई में, ये जरूर बना के रखना चाहिए अपने घर में। मुझे और पतला करना है क्या, पतले की जरूरत है नहीं, इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत लुकिंग गुड लुकिंग। और मैं थोड़ा डाल देती हूँ धनिया,
डाल दिया मैंने, इसी मैं सर्व करती हूँ इसको। सूप तैयार है। तरीके से बढ़िया बना है। इसकी थिकनेस, इनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी अच्छी है इसके अंदर। जुकाम में, सर्दी खांसी, सर्दी जुकाम में पेशेंट्स को लेके स्वस्थ इंसान तक सबके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बिल्कुल तरीके से ये बनाया गया कि किसी को भी कुछ नुकसान नहीं देगा। इसे हर इंसान पी सकता है, बच्चा बच्चा बड़ा सब पी सकते हैं, खा सकते हैं सूप को इसको, क्योंकि इसमें ये ऑलिव ऑयल में बनाया गया तो किसी को नुकसान नहीं देगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालती हूँ, उसको चखे और देख सकते हैं कि इसमें और किसी चीज़ की जरूरत है क्या। अगर इसमें और थोड़ा सा डलता है कुछ तो ब्लैक पेपर थोड़ा ऐसे ऊपर से डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर किसी को जरूरत है। नंबर वन। नंबर टू, सोया सॉस अगर डालना है तो जरा सा वो डाल सकते हैं जरा सा। नंबर थ्री, हमने इसमें नींबू हम ऐड कर सकते थे, इसके अंदर पूरे में नींबू डाल दो तो अच्छा रहता है टेस्ट के लिए। अगर किसी को खांसी है या किसी ऐसे इंसान को देना तो नींबू ना डालें, अपने सामने नींबू डाल दें या जरा सा विनेगर डाल दें, लेकिन विनेगर खांसी वाले को नहीं देना है। ऐसे नॉर्मली पीने के लिए इसमें जरा सा विनेगर डाल दो, जो नॉर्मली लोग सब लेते हैं, और नहीं तो नींबू थोड़ा डाल देना चाहिए इसमें। अब मैंने इसमें सब्जी डाल दी है और ये देखिए, अब मैं इसको डाल दिया धनिया पत्ती और ये सूप तैयार है। पीजिए, के लिए सबके लिए बहुत ही फायदेमंद सूप है ये। एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सूप बनेगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि मेरी जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ, वो तो सबसे पहले आपको मिले, देखने को मिलेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।